स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर नागपुर जिला मराठी पत्रकार संघ संलग्न खापरखेड़ा पत्रकार संघ की ओर से चिचोली एवं वलनी सर्कल क्षेत्र के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश नोटबुक एवं पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। खापरखेड़ा पत्रकार संघ ने सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखी है। चिचोली और वालनी सर्कल क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों में सैकड़ों की संख्या में गरीब छात्र पढ़ रहे हैं। ये देखा गया है कि बहुत सारे छात्र माता पिता की कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर शिक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं। उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें शिक्षा की धारा में लाना समय की मांग है। ऐसे छात्रों को सहयोग मिले, स्कूल जाए एवं स्कूल की सामग्री हो, इसी संकल्पना के साथ नागपुर जिला मराठी पत्रकार संघ संलग्न खापरखेड़ा पत्रकार संघ ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चिचोली एवं वलनी जिला परिषद अंचल क्षेत्र के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जरूरतमंद छात्रों को निशुल्क गणवेश नोटबुक एवं विद्यालय सामग्री वितरण की गतिविधि का आयोजन किया गया। जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश एवं विद्यालय सामग्री के वितरण के दौरान प्रधानाचार्य अनुजा ए पटवार, जयश्री राउत, चारुलता बिजवे सहित शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। खापरखेड़ा पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुनील जालंधर, संपादक राजेश खंडारे, कार्यकारी अध्यक्ष केशव पांताव ने, उपाध्यक्ष प्रकाश गजबी है, महासचिव कपिल वानखेड़े, प्राथमिक विद्यालय खापरखेड़ा, जिला कोषाध्यक्ष विनोद कुमार गौतम, वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर घेर, जिला प्रतिनिधि अमर जैन सहित खापरखेड़ा पत्रकार संघ के सदस्य बंधु चौरागढ़े, कृष्णा नामलेवार, डॉक्टर अहमद शेख, सुरेश वानखेड़े, गिरधारी शर्मा, मनोज डेविड, श्रीकांत जलंधर, अरविंद सरोदे, राजेश खंडारे, सचिन कोरडे, अभय मिश्रा, राज तांडेकर, प्रमोद येवले, मुकेश बागड़े, शुभम वाकपंजर आदि उपस्थित रहे। परिषद प्राथमिक विद्यालय खापरखेड़ा, महाराष्ट्र विद्यालय खापरखेड़ा जिला, WCL प्राथमिक अंग्रेजी स्कूल चनकापुर, शंकर राव चौहान विद्यालय और जूनियर कॉलेज खापरखेड़ा, महाराष्ट्र विद्यालय सिल्लेवाड़ा, वलनी हाई स्कूल वलनी आदि को गणवेश नोटबुक और स्कूली सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर प्राचार्य लक्ष्मण राठौड़, अहमद शेख, अनिल बलानी उपस्थित थे। राजेश खंडारे, विदर्भ स्टार न्यूज़।